हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म ई ट्यूशन। शिक्षा एक सुंदर भविष्य पाई आज लाइव क्लास को मुझ तुम समस्त को स्वागत करुच्ची। पे आज तुम नवम अध्याय समतल उपरिस्थ ज्यामितिक आकृति विषय पढ़ा। पे तुम्हें ज्यामितिक आकृति विषय समस्त आगे जाच। त्रिभुज गोटे है ज्यामितिक आकृति, चतुर्भुज गोटे है गोटे ज्यामितिक आकृति। आज आम त्रिभुज विषय किसी पढ़ा, ठीक अच्छे। आम अभ्यास कार्य 9.1 9.2 करवा। ताहले पिला माने ज्यामितिक आकृति त्रिभुज, त्रिभुज विषय तुम समस्त जानिछ हना नै। त्रिभुज आमर तीनोटी शीर्ष बिंदु, तीनोटी बाहु और तीनोटी कोण के नेकी गठित होइथाय। जदि आमर ए बी सी तीनोटी बिंदु एक रेखीय होइ नथिबे ताहले ताहाकु नेकी आमे गोटे त्रिभुज अंकन करि परिबा हना नै। ताहले ए बी ए दत्त त्रिभुज रे पिला माने आमर साइड जो त्रिभुज अछि तेतिर आमर तीनोटी बाहु कोण कोण अछि, ए बी बी सी आ सी ए हना नै। तीनोटी कोण 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 अछि पिला माने ए कोण, बी कोण और सी कोण। ए कोण, बी कोण और सी कोण आ तीनोटी शीर्ष बिंदु कोण अछि, ए बी सी शीर्ष बिंदु अछि हना नै। ए कोण, बी कोण, सी कोण आ तीनोटी शीर्ष बिंदु ए बी सी आ तीनोटी बाहु अछि ए बी बी सी आ सी ए। ताले पिला माने आमर त्रिभुज केते प्रकार हेथाय। कोण को नै कि आमर त्रिभुज तीन प्रकार हेथाय आ बाहु को नै कि त्रिभुज तीन प्रकार हेथाय। ताले बाहु को नै कि त्रिभुज होता है पिला माने समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सम विषमबाहु त्रिभुज होता है। जार सब सब बाहु समान होता है, सब बाहुर परिमाण जदि समान होता है आम कौन कहवा समबाहु त्रिभुज। जार जदि तार दुईटी बाहुर दैर्घ्य समान होता है आम कौन कहवा समद्विबाहु त्रिभुज। आ विषमबाहु त्रिभुज कह जाए जार कौन सी बाहुर दैर्घ्य समान न थाए ताको आम कौन कहवा विषमबाहु त्रिभुज। से कोण को लेकिन आम त्रिभुज केते प्रकार होता है, तीन प्रकार होता है। कौन कौन कोण होता है पिला माने स्थूलकोणी त्रिभुज, सूक्ष्मकोणी त्रिभुज, समकोणी त्रिभुज। ताहले आम समकोणी त्रिभुज आम क्या कहता हूँ जहाँ 90 डिग्री सहित समान होता है ताको आम सम जार गोटे कोण परिमाण 90 डिग्री सहित समान होता है ताको आम समकोणी त्रिभुज कहवा। जार जार कोण परिमाण 90 डिग्री रु कम होता है ताको आम सूक्ष्मकोणी त्रिभुज कहता है। जार कोण परिमाण 90 डिग्री रु अधिक होता है ताको आम कौन कहता हूँ स्थूलकोणी त्रिभुज कहता हूँ। तुम्हें समस्त जानच स्थूलकोणी, सूक्ष्मकोणी, समकोणी त्रिभुज, सम आउ समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज मध्यरे मध्य समस्त जानच। ताहले पिला माने आमे आमे आउ कौन जानचे त्रिभुज विषय, त्रिभुज बहिस्थ बिंदु अंतस्थ बिंदु विषय समस्त जानचे हना नै। जहाँ त्रिभुज अंतर्व्यस्तर थी ताको आम अंतस्थ बिंदु कहता हूँ। जहाँ तार बहिस्तर भाग रहे कौन कह बहिस्थ बिंदु कहता। पे चित्र रे ए बी सी हूँ आम गोटे त्रिभुज। आम त्रिभुज नामकरण किपर दे था पे त्रिभुज आम ए त्रिभुज को ए बी सी त्रिभुज कहीपर नमें कौन कहीपर सी ए बी त्रिभुज कहीपर नौ कहीपर बी सी ए त्रिभुज कहीपर हना नै। ताहले पिला माने एहरो अंतस्थ बिंदु गुड़ी को कौन कौन अंतस्थ बिंदु हला एक्स एक्स आउ आई हेले आमर को अंतस्थ बिंदु कारण से माने त्रिभुज रो मझी अछंदी बा भितरे अछंदी। आ बहिस्थ बिंदु का कह जाए जहाँ बाहर अछंदी ताहले पी आर एस ए गुड़ को कौन कहिबा आमे बहिस्थ बिंदु बोली कहिबा। ताहले ए सब विषय आमे आगुरु जानिचे। ताहले अंतर्देश पिला माने त्रिभुज रो अंतर्देश कोटा को कहिला देखी त्रिभुज रो अंतर्देश हला अंतस्थ माने त्रिभुज भीतर भाग को आम कौन कह तार अंतर्देश बोली कह ठीक अच्छे। ताहले पिला माने तुम अभ्यास कार्य 9.1 दिखाई अभ्यास कार्य 9.1 प्रथम प्रथम प्रश्न कौन दिखाई देखिए त्रिभुज ए बी सी चित्र अंकन कर। यही त्रिभुज अंतर्देश पी बिंदु और यार बहिदेश क्यू बिंदु टी चिन्हट कर। ए बिंदु टी ए बी सी अंतर्देश कि बहिदेश अवस्थित कि पिला माने प्रथम आम ए बी सी गोटे त्रिभुज अंकन करवा। ए बी सी गोटे त्रिभुज अंकन करवा ए बी सी रो कौन कही पी को आम अंतर्देश रखा क्यू बिंदु को आम कौन रखा बहिर्देश रखा। ताहले कही ए बिंदु टी ए बी सी रे अंतर्देश कि बहिर्देश अवस्थित कि ए बिंदु टी आम कौन पिला माने त्रिभुज उपरिस्थ बिंदु हना नहीं त्रिभुज यहाँ को आम शीर्ष बिंदु बोली कहता हूँ। ए बिंदु को आम कौन कह त्रिभुज उपरिस्थ बिंदु बा शीर्ष बिंदु बोली कहवा। ए बिंदु हमर त्रिभुज उपरिस्थ बिंदु बा
शीर्ष बिंदु बोली आम कह ठीक अच्छे तेल पा दुई नंबर कौन अच्छी दुई नंबर आमर अच्छी पार्श्व चित्र तीनोटी त्रिभुजर नाम लेख पार्श्व चित्र पाने तीनोटी त्रिभुज किए किए अच्छा कहले देखी ए बी डी गोटे त्रिभुज है ना नहीं ए बी डी गोटे त्रिभुज सेपरी ए डी सी गोटे त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी आम गोटे जान लें त्रिभुज ए डी सी गोटे त्रिभुज आ गोटे त्रिभुज कौन पाने त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी होला गोटे त्रिभुज है ना नहीं तीनोटी त्रिभुज आम नामकरण करपर कौन दे चित्र सतटी कोण नाम लेख पाने कोण गुड़ी आम के लिखी था ए बी डी कोण ए डी बी कोण बी ए डी कोण से ए डी सी कोण से ए सी डी कोण से डी ए सी कोण से आम कौन करी बी ए सी कोण ताले सातटी कोण रे आम नामकरण करी पारले होना ने से आमर कौन दी तृतीय रे गोरे कौन दी छटी रेखाखंड नाम लेख पाने छटी रेखाखंड नाम लिखा आमर प्रथम रेखाखंड है ए बी रेखाखंड ए बी रेखाखंड बी सी रेखाखंड सी ए रेखाखंड ए डी रेखाखंड आउ कौन कौन नाम दे पारिबा बी डी रेखाखंड दे पारिबा हाँ ना नहीं बी डी दे पारिबा बी सी दे पारिबा ताले आमे छटी रेखाखंड नामकरण कले सेही परी केउ दुईटी त्रिभुज रे बी होची एक साधारण कोण केउ दुईटी त्रिभुज रे बी होची एक साधारण कोण आमे कौन कहि पारिबा ए बी डी त्रिभुज बी हूँ गोटे साधारण कोण आउ ए बी सी त्रिभुज बी हूँ गोटे साधारण कोण बुझीला कारण ए बी सी बिंदु बी कोण आसुची आउ ए बी डी त्रिभुज बी कोण आसुची कौन देखिया पिला मैंने आम सर आम कौन अभ्यास कार्य 9.1 आम आराम से करे ये आगुरी जानी से आम कौन पढ़वा त्रिभुज मध्यमा विषय पढ़वा त्रिभुज मध्यमा विषय पढ़वा पे त्रिभुज मध्यमा का कहे त्रिभुज गोटे शीर्ष बिंदु को तार विपरीत बाहर मध्य बिंदु सह जोग कर रेखाखंड को आम कौन कही था त्रिभुज मध्यमा बोली कही था पे आम बी हूँ गोटे बिंदु सी हूँ गोटे बिंदु ए हूँ गोटे बिंदु ताल तार विपरीत बाहू पे बी रपरीत बाहू कौन कहल देखी ए सी बी रपरीत बाहू हूँ ए सी से ए रपरीत बाहू कौन ए रपरीत बाहू हूँ बी सी से सी रपरीत बाहू कौन ए बी हाँ ना नहीं पाने आम जदि मैंने विपरीत रेखाखंड को जो जोग कर गोटे रेखाखंड अंकन करवा को आम बी सी बाहूर मानने त्रिभुज आम कौन कही मध्यमा कही पारेपरी बी बिंदु को तार विपरीत बाहू सहित रेखाखंड तार विपरीत बाहू सहित जोग कर रेखाखंड टे टाणी आम कौन पाइबा यहाँ आम मध्यमा कह ठीक अच्छे से सी बिंदु रु रेखाखंड अंकन कर तुम तो स्केल साइज़ टाण स्केल साइज़ टाणुन से अंका मंका हो जाए आम कौन जानले सब को आम कौन कह मध्यमा कह गोटे त्रिभुज मध्यमा केतोटी मध्यमा टाणी पार तीनोटी मध्यमा आम टाणी पार बुझीला सब को आम मध्यमा कही थाने अभ्यास तुम 9.2 अच्छी एक त्रिभुज मध्यमा टे संपूर्ण भाव त्रिभुज अंतर्देश रही था कि हाँ आम कौन जान लु संपूर्ण भाव अंतर्देश मध्यमा टी रही ना नहीं संपूर्ण भाव अंतर्देश रही था निजर उत्तर यथार्थ दर्शाओ कौन अच्छी पाने दुई नंबर अच्छी चित्र टी अंकन कर देखाओ ए बी सी चित्र टी अंकन कर ए बी सी आम जब गोटे त्रिभुज अंकन करवा ए बी सी त्रिभुज अंकन करवा अंकन कर जेपरी ए बी इक्वल टू ए सी ए बी इक्वल टू ए सी मन कर ये जदि आम 5 सेंटीमीटर नवा यह 5 सेंटीमीटर स्केल साइज में नहीं कि आम त्रिभुज टी अंकन करवा एजी ए डी मध्यमा टी अंकन कर ए रु विपरीत बाहू को आम जब गोटे गाड़ टाणी से तार मध्यमा हे जहाँ जहाँ बी सी बाहू को आम समदी खंड कौन भाग कर ताले प्रोट्रैक्टर साहय ए डी बी र परिमाण लेख पे प्रोट्रैक्टर आम ये रखिक तार मध्य बिंदु को रखिक आम यहाँ जदि तार परिमाण जदि आम निर्णय करवा आमको के मिल पाने आमको मिल
90 डिग्री मिलिब ठीक अछि तमे माने समस्त प्रोटेक्टर साइज रे मापी के निजे लेखिबो तापर ए खरे हमर कोन देल छी ए बी इक्वल टू ए सी यदि ए बी समान ए सी हिते नै अन्य एक त्रिभुजटी अंकन कर आमे कोन करबा अन्य एक त्रिभुजटी अंकन करबा ए बी समान कोन ए सी दिया जे छी एटा यदि 5 सेंटीमीटर नेबा एटा की यदि आमे 5 सेंटीमीटर नेबा ताले बी गोटे मध्यम अंकन करबा आ सी एफ गोटे मध्यम अंकन करबा बी ई आ सी एफ दीटा मध्यम अंकन कले अंकित मध्यम दुईटर दैर्घ्य मापर कौन लक्ष्य कर बाहू सामान अच्छा सामान बी सी ए बी सामान ए सी अच्छा मध्यम दैर्घ्य कौन हम सामान हम तेल आम कौन लक्ष्य कले सामान दुईट जाकर मध्यम दैर्घ्य आम सामान बोली आम जान लें ताले आमे त्रिभुज विषय सब विषय आमे आगुरु जानी थिले आमे अभ्यास कार्य मध्य आराम से करि पाले ताले तमे 9.1 9.2 आमे आराम से करि पाले किछि भी डाउट थिले तमे माने डाउट क्लियर क्लास जॉइन करि परिबा।